हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। यहाँ पर हम देखेंगे आपके और आपके पार्टनर के बीच में दूरियाँ कब तक ख़त्म होने वाली हैं, दूरियों का कारण क्या है, क्या रीज़न है कि अब तक भी आपके पार्टनर आपसे दूर हैं या आप दोनों नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चल रहे हैं। इसके हटकर भी अगर हमें यूनिवर्स से कुछ मैसेज मिलेगा तो डेफिनेटली मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। ओके, ये एक जर्नल रीडिंग होने वाली है, टाइमलेस रीडिंग है। ओके, जर्नल रीडिंग है तो प्लीज़ ओपन माइंड करके देखें, टाइमलेस रीडिंग है तो आपके सामने जब भी आएगी आप देख सकेंगे। सभी जोडियक साइन के लिए रीडिंग होने वाली है। ओके, जब तक हम कार्ड शफल करते हैं आपको एकदम पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं होना। देखते हैं कब तक बातचीत हो सकती है और क्या ब्लॉकेजेस हैं, क्या रीज़न है जिसकी वजह से अब तक आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हुई है। ओके, ओके, ठीक है। आपके पार्टनर को फ्री रहना पसंद है, ठीक है, मतलब उनको ऐसा लगता है कि कोई उन्हें रोके टोके नहीं, कोई उन्हें ऐसा कुछ नहीं कहे जिससे उन्हें पाबंदी लगे। ओके, ये सबसे बड़ा रीज़न दिखाई दे रहा है अभी मुझे। आपके पार्टनर को ऐसा लगता है कि अगर वो कहीं जा रहे हैं, चाहे वो आपसे बात कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, आप उनसे कोई सवाल ना करो। ओके, ये आपके पार्टनर की एनर्जीज हैं। ओके, ठीक है, कुछ गाइडेंस आएगी तो भी मैं आपको बताऊंगी। देखिए, इसमें एक चीज़ हो रही है, जब आपके पार्टनर आपसे दूर जाने लग आप दूर जाने लगते हो तो वो आपकी लाइफ में एंट्री मार लेते हैं वापस से, और जब वो दूर जाते हैं तो आपको रीज़न भी नहीं बताते हैं। चलिए हम यहाँ पे देखते हैं कि और क्या हो सकता है, आप लोग के रिलेशनशिप में क्या ब्लॉकेजेस है। ओके, यहाँ पर अगर मैं ये कहूँ कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत फ्री रखते हैं हर एक रिलेशन से, ओके, हालांकि अगर उनकी फैमिली की बात की जाए तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो सकती हैं, लेकिन उन्हें फ्री रहना पसंद है, उन्हें ऐसा लगता है उन्हें कोई बर्डन नहीं चाहिए अपनी लाइफ में, वो जो मर्ज़ी चाहे करें। इन दिनों में आप देखेंगे कि वो अपने करियर पे भी फोकस नहीं कर रहे होंगे आपके पार्टनर, उन्हें हमेशा किंग एंड क्वीन वाली एनर्जी में रहना पसंद होगा। उन्हें ऐसा लगता होगा कि मैं क्यों किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाऊँ, मतलब मेरी खुद की अपनी पर्सनल लाइफ है, अगर करियर है तो ठीक है, अगर मेरे फाइनेंसेस है तो मैं किसी को हिसाब नहीं देना चाहूँगा या नहीं देना चाहूँगी। कुछ इस तरीके के आपके पार्टनर के कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं आपके पार्टनर, मतलब किसी का इंटरफेयर नहीं पसंद करते वो अपनी लाइफ में, अपने आप को बहुत आगे मानते हैं, अपने लुक्स को, अपने मतलब अगर आप उनको कभी चलता हुआ अपनी तरफ आगे आते हुए देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि उनके बॉडी लैंग्वेज से कि अरे ये मतलब कोई इंसान इतना गलत होते हुए अपनी बॉडी लैंग्वेज को इतना सही करके दूसरों के ऊपर इतना हावी होने की कोशिश कैसे कर सकता है। कुछ इस तरीके की पर्सनालिटी है, उन्हें ऐसा लगता है वो किंग एंड क्वीन है, उनका खुद का एक किंगडम है जिसमें वो राज करते हैं, कुछ इस तरीके की एनर्जी से, थोड़ा फनी है लेकिन है। उन्हें अपने फ्रेंड्स में टाइम स्पेंड करना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, एक ये भी रीज़न है। ओके, लेकिन यहाँ पर अभी आपने तो पैशंस रखे ही हुए हैं। ओके, मुझे ऐसा लग रहा है आप में से किसी के पास रिसेंटली कोई एक ऐसा पर्सन आया कि आपको ऐसा लगा कि अरे ये पर्सन तो मुझे पसंद करता है, मैं क्या करूँ, जिसे मैं प्यार करता हूँ या करती हूँ उसका वेट करूँ या इस पर्सन की तरफ चले जाऊँ या चली जाऊँ। ये रिश्ता वापस से ग्रो करेगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बनेगा, लेकिन आपके पार्टनर की ये थोड़ी एनर्जीज रहने वाली हैं। आपको अगर आप ये उम्मीद करोगे बहुत ज़्यादा कि वो आपको हर चीज़ बताएं, एक वो कहते हैं ना केयर वाला रिलेशन होगा, वो आप अगर कहीं जा रहे हो तो वो आपसे पूछें या वो कहीं जा रहे हैं आप उनसे पूछो तो वो आपको सीधा सा जवाब दें, ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। हालांकि इन दिनों में आपके पार्टनर आपको मिस करते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, आपके बारे में सोचते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। कुछ समय रुककर अगर आप देखेंगे थोड़ा और कुछ समय की बात करते हैं, आप लोग कहते हो कि दी हमने बड़ा वेट किया है, इतना वेट किया तो थोड़ा और वेट करके देखेंगे तो आपको लगेगा कि अब आपका पार्टनर जो कि बहुत ज़्यादा फ्री रहना चाहता था अपने रिलेशन से, वो अब यहाँ पर अब आपके पास आने की वापस कोशिश कर रहा है, आपको वापस मनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी एनर्जीज़ वही रहेंगी किंग एंड क्वीन वाली, वो कुछ एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर आपको लगेगा कि आप कहोगे कि तुम्हारी ये गलती थी आगे से ऐसा मत करना, वो उस गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे। हालांकि वो ये भी कह सकते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ किया ही नहीं था, तुम एक्स्ट्रा सोच रहे हो,
वो कुछ नहीं मानने वाले, वो यही एनर्जी में रहने वाले हैं आपके पार्टनर। ये सबसे बड़ा ब्लॉकेज मुझे दिखाई दे रहा है कि वो उनके अंदर एक्सेप्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। ओके, स्टार की एनर्जी मैंने कहा यहाँ पर नई शुरुआत दिखाई दे रही है आप लोगों के रिलेशनशिप में, अट्रैक्शन दिखाई दे रहा है आप दोनों का एक दूसरे के प्रति, ट्रांसपेरेंसी भी होगी। लेकिन आप अगर चाहोगे कि उनको थोड़ा सा बांध के रखो अपने साथ रिलेशनशिप में, वैसा वो नहीं चाहेंगे। याद बहुत ज़्यादा कर रहे हैं इन दिनों में आपके पार्टनर आपको, भले से उनके पास कितने भी ऑप्शंस हो, वो किसी से भी बात कर ले। मतलब आपके पार्टनर का नेचर इस तरीके से होगा कि किसी का इंस्टाग्राम, फेसबुक पे, किसी सोशल मीडिया अकाउंट पे या किसी का रॉन्ग नंबर भी आ गया तो वो आपके पार्टनर बड़े बड़े प्यार से उनसे बात करने लग पड़ते होंगे। इन दिनों में हो सकता है आपने अपना कुछ एकदम स्टेटस या लाइफ स्टाइल चेंज किया हो, जिसकी वजह से अब आपके पार्टनर को लग रहा है कि ये मेरे बिना कैसे आगे बढ़ सकता है, कैसे आगे बढ़ सकती है। मुंह बना के बैठ सकते हैं और आपके लिए काफ़ी ज़्यादा पजेसिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा सा मैनिपुलेट करेंगे आपको, कॉल करके आपके ऊपर गुस्सा कर सकते हैं अननेसेसरी, बिना किसी रीज़न के। लेकिन आपसे वो जो कॉल मैसेज होगा वो आपसे बात करने के लिए ही होगा, वो कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करना चाहेंगे। आपको तंग कर सकते हैं थोड़ा सा ये आपके पार्टनर की एनर्जी से, कि आप ना कहोगे कि अरे कॉल भी आया तो ये बंदा या बंदी झगड़ क्यों पड़ी, वजह से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। लेकिन वो कम्युनिकेशन आप दोनों का स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आपके बारे में काफ़ी ज़्यादा सोच रहे हैं और आपके ऊपर गुस्सा निकाल सकते हैं, फ्रस्ट्रेट होकर। ये सिचुएशन आपको थोड़ी सी हैंडल करनी होगी, ओके। तो ब्लॉकेज की बात करूँ तो देखो, यहाँ पर आपके पार्टनर के फ्री रहने की एनर्जी की वजह से थोड़ा वो टाइम ले रहे हैं। अदरवाइज़ यहाँ पे एट ऑफ कप्स भी आए, एट ऑफ पेंटिकल्स भी आए, भाई यहाँ पे बातचीत होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ना, वो तो पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगी, धीरे धीरे रिश्ता आगे बढ़ेगा। लेकिन आपको यहाँ पर अपने थॉट्स को, अपनी एनर्जीज को थोड़ा कंट्रोल करके रखना होगा, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग आउट, मिस यू गाइस, बाय बाय।